उत्तर प्रदेश में सत्ता बदले 4 दिन हो गए। नए मुख्यमंत्री के आते ही सुपर एक्शन शुरू हो गया। पुलिस वालों के रंग ढंग बदल गए। एक ट्वीट पर एसपी खुद शिकायत दर्ज कराने पहुंच गए। दरअसल छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक परिवार 9 दिन से थाने के चक्कर लगा रहा था। जब पुलिस वालों ने शिकायत दर्ज नहीं की तो पीड़ित लड़की ने मुख्यमंत्री को एक ट्वीट किया, जिसके बाद पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया। एसपी ने खुद शिकायत दर्ज की है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात कही गई। होली वाले दिन हमारे पड़ोसी ने हमारे से बदतमीजी की थी। दी के साथ जो ऐसे हम लोग को मारा पीटा था। उसके बाद हम लोग ने पुलिस में शिकायत की पर कुछ नहीं हुआ। हम में से मोस्टली सब हॉस्पिटल में एडमिट थे। पुलिस में पापा ने बहुत बार कोशिश की पर कहीं भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए एक हफ्ते मीन्स ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने जा रहा है आज जाके। इसीलिए मैंने CM आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट किया। एंड अब जाके शाम के आज जाके कुछ पुलिस के लोग हम लोग के घर पे आए। जी बिल्कुल सही सुना आपने। जो काम पिछले 9 दिनों से नहीं हो रहा था वो 9 मिनट के अंदर हो गया। एक ट्वीट से हड़कंप मच गया। पूरा का पूरा पुलिस महकमा एक पैर पर खड़ा हो गया। कल जो पुलिस वाले शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं थे वो बेंच पर पीछे बैठे थे। एसपी साहब खुद रोज नामचा लेकर पीड़ित परिवार की बातें लिख रहे थे। पुलिस वालों के इस एक्शन के पीछे है एक ट्वीट। वो ट्वीट जिसमें पीड़ित लड़की ने नए नवेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग किया था। ट्वीट देखते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। ऊपर से आदेश आया तो एसपी खुद 2 CO के साथ शिकायत दर्ज करने पहुंच गए। निकालने के लिए वो पीछे वाले गेट से आ रहा था तो मैंने आगे से खोल दिया। इतने में देखा कि बदल वाले नेबर हमारे ज़बरदस्ती सब नशे की हालत में घुसने लगे रंग लगाने के लिए मुझे बोले। तो मैंने उनका रोकने की कोशिश की तो वो ज़बरदस्ती आके मुझ पर हाइपर होने लगे और मतलब ज़बरदस्ती मुझे नीचे गिरा के मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। उसके बाद मना करने पर मेरे भाई सामने आया, पास में आया, रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मारा पीटा। दरअसल अम्बेडकरपुरम इलाके में होली के दिन इस परिवार के साथ गांव के कुछ लड़कों ने छेड़खानी की थी। होली में रंग लगाने के बहाने जबरदस्ती की थी। जब विरोध किया तो 3 बहनें और उसकी मां के साथ न सिर्फ अश्लील हरकतें की बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। आरोप है कि पीड़ित परिवार जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। बेटियों के साथ पिता 9 दिनों तक थाने का चक्कर काटता रहा। इसके पहले भी कई बार इसको मना कर चुके लेकिन उस दिन की घटना ये थी कि मैं गया हुआ था तो मेरी घर के अंदर मेरा बेटा गाड़ी निकाल रहा होगा तो ये घर के अंदर घुसा, मेरी पुत्रियों को रंग लगाने की कोशिश की जिसका विरोध करने पर उन्होंने उसके साथ अश्लीलता करने की कोशिश की। ये थे और 4-5 अज्ञात व्यक्ति और थे। तो विरोध करने पर मेरी पत्नी निकल आई तो ये लोग धार धार हथियार से चापड़ लाठी डंडे सरियों से मेरी पुत्री को, मेरी पत्नी को, मेरी चारों पुत्रियों को, मेरे बेटे को बहुत पूरी तरीके से पीटा। जिस बात को थानेदार 9 दिनों से नहीं सुन रहे थे उसे सुनने के लिए एसपी खुद पहुंच गए। एसपी का कहना है कि पुलिस ने जो लापरवाही की है उसकी भी जांच होगी, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। इसमें क्या चीज गलत है? उसके इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है वो एक्चुअली उतनी सही नहीं है। मामले में होली के दिन ही NCR पंजीकृत किया गया है। जो पीड़ित हैं उनके फादर कहना है कि मुकदमा जो है कम धाराओं में पंजीकृत किया गया है। इस प्रकरण में हम लोग जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पर जो धाराएं बनेंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही अगर आरोपी है इसमें दोष आएगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें जो भी लापरवाही पुलिस की तरफ से हुई उसकी हम लोग जांच करेंगे और दंडात्मक कार्रवाई करेंगे यदि वो सामने आएगी। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द बड़ी कार्रवाई होगी। बेटियों से बदतमीजी करने वाले भी शिकंजे में होंगे और लापरवाह पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इंसाफ के लिए बार बार मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़ेगा? क्या मुख्यमंत्री दखल देंगे तभी शिकायत दर्ज होगी? मोहम्मद उजैर, इंडिया 24/7, कानपुर। मोहम्मद उजैर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। उजैर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि SSP ने दखल तो दिया है लेकिन कितनी कार्रवाई आगे बढ़ी है अब तक? देखिए अभी तक की जो कार्रवाई बढ़ी है इसमें इन्होंने
टीम गठित की है, जो आरोपी हैं फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है, उनको ढूंढा जा रहा है और कई जगह दबिश भी दी गई है, लेकिन अभी तक के कोई भी आरोपी अपने ठिकाने पे नहीं मिले हैं और उनके घर पे ताला लगा हुआ है। दूसरी कार्रवाई पुलिस ने जरूर ये की है कि सीओ स्तर पे जो है जांच बैठा दी है, जो पुलिस वाले इसमें दोषी हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है और जिन्होंने इस केस को ठीक से संज्ञान में नहीं लिया है, और जो पीड़ित एसएसपी के पास भी गया था और उसके बाद भी एसएसपी के आदेश भी हुए थे, उन सभी पहलुओं के ऊपर सीओ जांच कर रहे हैं। और इस जांच में अब तक के जो चीज सामने आई है, 324 की धारा एफआईआर में जो है बढ़ाई गई है और साथ साथ जो है मजिस्ट्रेट का बयान अभी होना बाकी है, क्योंकि अश्लीलता का आरोप भी लगा है कि अश्लीलता की गई है, तो पीड़ित का जब बयान होगा उससे मजिस्ट्रेट का, तो उसके बाद और धाराएं बढ़ेंगी। तो जांच अपने स्तर पे, जो विधिक कार्रवाई जिस स्तर से होनी चाहिए थी, जिस रफ्तार से, उस रफ्तार से हो रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। शुक्रिया इन जानकारियों के लिए।